ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਜਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਦਮ ਡੋ ਮਾਂਗ ਥਈਏ ਹਾਂ ਪੰਥ ਬਹੂਨਾ ਨਿਭਣ ਦਾ ਜਦਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਲਾਂਗ ਥਈਏ ਛੁੱਟ ਗਈਏ ਜਾਨ ਜਗਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮਸੇ ਕਬਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਥਈਏ ਮੈਂ ਅਨਸਰ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਮਣ ਲਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਮਣ ਲਗਾਂ। ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਕੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਜ਼ਾਰੋਂ ਔਰ ਮੰਦਰੋਂ ਕੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਔਰ ਉਨਕੇ ਦਾਨਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਖੈਰ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਇਨ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜੋ ਜੀਤੇ ਜੀ ਰਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਯੇ ਕਬੂਤਰੇ ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਸ਼ਕਿਸਤ ਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਮਾਨ ਇਨ ਸਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਵਤਨ ਕੀ ਆਬਰੂ ਰੁਸਵਾਈ ਬਨ ਗਈ। ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਕਬੂਤਰੇ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਕੇ ਕਿਸੀ ਛੱਜੇ ਸੇ ਉੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਹਿਦ ਦਰ ਅਹਿਦ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਾ ਰੇਲਾ ਇਨਹੇ ਬਹਾ ਕਰ ਲੇ ਗਏ। ਇਨਕਾ ਸਾਹਿਲ ਛੂਟਾ ਔਰ ਗਰਦਾਬ ਬਲਾ ਮੁਕੱਦਰ ਠਹਿਰਾ। ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਕਬੂਤਰੇ ਜੋ ਆਦਮ ਕੀ ਤੋਕੀਰ ਔਰ ਹਵਾ ਕੀ ਤਕਰੀਮ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਕਾਰਣ ਜਈ ਹਮ ਯਾਰ ਸੋਲਾ ਸਾਂਗ ਸਮੇ ਦੁੱਖਣੇ ਕਾਰਣ ਜਈ ਹਮ ਯਾਰ ਸੋਲਾ ਸਾਂਗ ਸਮੇ ਹਮ ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਮਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਰਤਬ ਕੋ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਆ ਔਰ ਹਵਸ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸੌਦਾਗਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਇਨਕੇ ਜਿਸਮ ਕਾ ਖਰੀਦਾਰ ਬਨ ਗਿਆ। ਯੇ ਤਨੀ ਰੱਸੀ ਪਰ ਚਲਨੇ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਜ਼ਾਏ ਅਬ ਤਕਦੀਰ ਕੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰ ਪਾਓਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਕਟ ਮਰਤੀ ਹੈ। ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਔਰਤ ਜੋ ਰੱਸੀ ਪਰ ਆਖਰੀ ਬਾਰ ਚਲੀ ਔਰ ਯਹੀ ਹੈ ਵੋ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੱਕਰੀ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨਾ ਫੁਲਾ ਕਰ ਘੂਮੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੀ ਸੇ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਕਬੂਤਰੀ ਔਰ ਕਬੀਲੇ ਕਾ ਨਾਮ ਕਬੂਤਰੇ ਪੜਾ। ਜਵਾਨੀ ਮੇਂ ਯਹੀ ਕਰਤਬ ਦਿਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਮੇਂ ਹਮ ਤਿਲੋਂ ਕਾ ਤੇਲ ਖਾਤੀ ਔਰ ਜਿਸਮ ਪਰ ਲਗਾਤੀ ਥੀ, ਅਬ ਤੋ ਡਾਲਡਾ ਕੀ ਪਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਜਿਸਮ ਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ये है इनके घर पेड़े, ये है इन घरों का जाहिर, ये है इन घरों का बातिन, ये है आर्टिस्ट और हसीन औरतों की कुल मता, ये है सिंध की उजड़ी बेटियों का जहेज और ये हैं वो राजकुमारियां जो वक्त की युद्ध में न सती हुई न जिंदा बची। देखो मुझे जो दीदए इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नयोश हो। इन पेड़ों को गौर से देखो, ये पेड़े भी नंगो नमूज और शर्मोहया की चादर से बने हैं, लेकिन इनके पीछे हवा की जाई और सिंध की बेटी का बेवपार है। इन पेड़ों के अकब में दिए नहीं, हवा की बेटियों के जिस्म रोशन है। ये इशरत का नहीं, मातम का मकाम है। यहाँ शाम तरब नहीं, शब अलम तारी है। इन मर्दाना कबूतरों को देखो कि दुख की परछाई है, इन जनाना कबूतरों को देखो कि अफसुर्दगी का साया है। इनकी खुशी, इनकी मुस्कुराहट, इनका खिलखिला के हंसना, इनका रंगदार लिबास, इनका अपना ही जश्न मर्ग है। इन कबूतरों का कर्तव्य इनकी ताकत था, इनकी तनी रस्सियों का अंगास इनका तवाजुन था, इनकी चक्री इनकी शान थी। सब कुछ खो गया, अपना अंगास है न चक्री। इनकी कर्तव्यगाहें इनके तन के चराग से रोशन है, अंगास माजी का हिस्सा बन गया।
अब सिर्फ अपने जिस्म का अंगास और चक्री है और खरीदार केजे हैं। ये केजे इन कबूतरों के यहां इंतहाई काबिले एहतराम हैं। ये कबूतरे केजे से अहदे वफा निभाने में किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक औरत की शादी हो जाए या दौरान मुआहदा वो मर जाए तो ये दूसरी लड़की केजे के हवाले कर देते हैं। कबूतरे अपनी नख में शादी नहीं करते। शादी के बाद कोई करोड़ रुपया भी देगा, कबूतरी अपने खावन से धोखा नहीं करेगी। शादी के बाद वो मुकम्मल पतिवर्ता घरेलू औरत बन जाती है। ये कबूतरे सिंध में फैले हुए हैं। अब इनको जिम्मेदार देहातों में रहने नहीं देते। अब ये शहरों की कच्ची आबादियों में मुकीम हैं। ये मीरपुर खास में हो या बदीन में, इनकी तदफीन अमरकोट के कब्रिस्तान उम्मीद अली लाशारी में की जाती है। ये मुर्दे को जलाते नहीं, दफन करते हैं। ये मखसूस दिन पे कब्रिस्तान जाते हैं, अपने अजीजों की कब्रों के सरहाने छोटा सा गढ़ा खोद कर उसमें शराब उंडेलते हैं। इनका ईकान है कि वो शराब कब्र में दफन आदमी पीता है। तारीख से पता चलता है कि यह कबीला अमरकोट से दीगर इलाकों तक पहुंचा है। कहते हैं कि मोमल तक पहुंचने से रोकने के लिए जो टकसाट बना हुआ था वो इन कबूतरों ने बनाया था। तवील मुद्दत तक ये कबीला नाटक और नाच का अमीन रहा, और फिर थिएटर और सिनेमा की चकाचौंध ने इनके फन को गहना दिया और इन्हें वक्त की मंडी ने अपनी तरफ खींच लिया कि इनके पास हुस्न जमाल की मता थी। इस औरत ने बताया कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन एक दिन मुकद्दर के इसी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। मरण तो वजन के ना चारे में सी मरनता उनारे जो गर्मी मरनता जो आशा का वोट वटनता हुई गरीबन की मदद कौन करे आन छा मानु को भाई इते जिंदगी छा गुजरे थी ऐसा सजी दुनिया भी से थी ऐसा वट आए शायद इस कारोबारी समाज में इन्हें यही किरदार अदा करना है। शायद इस साहूकार दुनिया में इन्हें अपने जिस्मों की खपत मंडी तक पहुंचानी है। इन्हें अपने ही जिस्मों का बंजारा बना दिया गया है। इन्हें उन शूदरजदा खेतों के किनारे बिठा दिया गया है जहां सिर्फ हवस की काश्त है। अब यही जिन्स की काश्त इनका सच है। ये कबूतरे दयानतदारी से जिन्स की फसल बोते और काटते हैं। इन्होंने जिन्स की मंडी के उसूल वजा किए हैं।
ये लेन देन के खरे और वादा निभाने वाले हैं। इन्होंने अपने स्याह खाना बेवफाई में वफा की शमा रोशन की। ये मर्द कबूतरे खाना पकाते, कपड़े धोते, घर की सफाई और देखभाल करते हैं। इन्होंने अपनी तकदीर का तायुन कर लिया है। ये बजाहिर इसी जिंदगी में खुश हैं, ये कहां जाएं? इनका कोई और संग या ताल्लुक नहीं है। ये इसी शकिस्ता आसमान के कबूतरे हैं, ये इस धरती की भूल भुलैयों में कहीं खो गए हैं। वो जगह वार देश कंदी हूँ, चरम ते रांत कंदी हूँ, वो ही गुजारे भी हूँ। भरी जमीन ते इतना दही पैर कंदी, वो ही गुजारे भी हूँ। हारी चोड़ी संधिया है, कड़े बड़ी उत्ते दिखा खाया था, बड़ी उत्ते दिखा खाया था। वो रांत भी असंजय रांत न जाओ, रंगड़ा भी आ काटियो भी हूँ, बांस भी आ पीर मारी भी आ, उत्ते रांत कई उत्ते कबूतरी मनानी बंदूक में फलकार में कबूतरी मनानी पीर मारी असो कबूतर फलकारन में मानू छो मो कबूतरी नौजवान छोकरियों हणी गोली मारे छी संगत पूछी तने यो टेम कोन हणी गोली मारे छी पीर मारी में असा तने रात जो शिकार कंदा कुतुम थे गडन ते हलंदा ते छोकरी पोए खणना छोरा सामा थिया हणी बंदूक मारे छड़ी उन डीका वटी बांस बिया वो रांद छड़ी सब कुछ रांद पिनी खाऊ था बड़ी उते चार डी अमा वट रहा चार डी एडा रहा हाँ धिका खा असी असली आयो राजो जिलो वडगाम जिलो असा असली आयो राजनट बांस ते रांद कंदा अगे तलवार ते रांद कंदा उ पोड़ा ही गुजारे व्या असा के खबरी असली आयो इंडिया जा असा जो जिला जरूर जिलो वडगाम जरूर जिलो रानीवाड़ा ये असा जो असली पड उ आए हिता आएगा पर असा जो धनी केर कौन थे कबूतरे उते बेटा रानीवाड़ा इते कबूतरे उते रात नट सांसो राज नट देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है गोर किस दिल जले की है ये फलक शोला एक रोज यहां से उठता है यूं उठे आह उस गली से हम जैसे कोई जहां से उठता है बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्तां से उठता है। इस समाज में जहां पर वफादारी बिकती और बदलती है कबूतर औरत अपने मुआहदे से वफादार है। वो रोजमर्रा के जिंसी लेन देन में खरी है, वो अपने केजे के साथ मुआहदे में बंधी है। केजा वो साहूकार जो उसकी वफादारी को एक मखसूस मुद्दत के लिए खरीदता है। यह मुआहदा एक दिन से लेकर साल भर के लिए हो सकता है। केजा घर का फर्द बनकर रहता है, वो अक्सर औकात घर के हर फर्द का खर्चा मुकर्रर करता है। शुरू शुरू में वो अपना और ताल्लुकदार औरत का खाना बाहर से लाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी कबीले के खाने का आदि हो जाता है। वो बाज़ोकात अपना सब कुछ लुटाकर जुदाई की दुनिया में खो जाता है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। इन औरतों के दिल वाले केजे भी होते हैं, ये मोहब्बत की दुनिया है। दिल वाले केजे से कोई मुआहदा कोई रकम तय नहीं की जाती, ये इन औरतों की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है। और दिल वाले केजे के होते हुए ये औरतें किसी और से मुआहदा नहीं करती। इन औरतों के भी दिल टूटते हैं, ये भी जख्मी कूंज की मानिंद कुरलाती हैं। पर इन असाज तर में मुल्क में चोटी देता इससे कचरा लाला भगत सर है सबीरा कबूतरी पिनंदे पासे बैठा गोठ जे उन जो पांच इससे लगी हो उन्होंने करे बुदाई आए अंदर तई उन्होंने इससे कहा एक और बूढ़ी औरत ने बताया, अब तो वो अंगास ही टूट गए जिन पर चढ़कर हम करतब दिखाते थे। वो तो पहली रांद कंदा वो अंगास दी वो अंगास ही टूटी गया हाँ वो रांद अगली सो हाँ पछाड़ी इन्ने इन्ने के रांद इन्दी
लेकिन हमने केजे की मार्फत इन्हें कर्तव्य के लिए राजी कर लिया। ये भी अपने केजे के एहतराम और इस उम्मीद पर राजी हो गए कि शायद इससे इनका फनकाराना तारुफ लौट आए। ये है इनका असल तारुफ, लेकिन अब वो नाटक रहा न वो दिल वाले केजे, न कर्तव रहा न हुस्न जमाल की चकाचौंध। ये पछड़े हुए कबूतरे मजीद पछड़ते जाते हैं, इनका जवाल जारी है, इनकी तकदीर का खेल इनके खिलाफ रच चुका है। ये नाजो अदा की हामिल औरतें अब शहरों में भीख मांगती दिखाई देती हैं।
अब वक्त का पहिया कैसे वापस घूमे, कौन है इन सिंध की शहजादियों का वारिस? शायद कोई नहीं सिवाय अमरकोट के इस उम्मीद अली लाशारी कब्रिस्तान के, कि जहां की ये मिट्टी है।